सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। और हम लोग आज बात कर रहे हैं क्लास टेंथ में, और क्लास टेंथ का पिछला जो लेक्चर्स था वो मज़ेदार था। मज़ेदार ये था कि वहाँ पे हमने देखा था कि धातु और अधातु की रासायनिक क्रिया, मैंने धातु और अधातु को परस्पर क्रिया कराया था और उससे बना था आयनिक कंपाउंड, और इसको कम्युनिटी पे इस क्वेश्चन को पोस्ट भी किया गया था। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, जिन्होंने गलत आंसर दिया है उन्होंने ये लगता है कि उन्होंने लेक्चर्स को देखा नहीं है। बाबू देखो, लेक्चर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप लेक्चर्स देखोगे तभी तो आप बढ़िया कर पाओगे। तुक्का मारने से तो काम चलेगा नहीं, दो दो ऑप्शन है, कोई एक मार दो तो हो ही जाएगा, ऐसे तो होता चलता है नहीं। तो आपको लेक्चर्स पूरे देखने हैं। नॉलेज इज़ द पावर, बोला गया है कि ज्ञान होगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और ज्ञान नहीं होगा तो मुश्किल है। तुक्का मार के कब तक तुक्का मार लोगे यार, कब तक अपने आप को संतुष्टि दे दोगे ये हो गया है? रियली में तुम्हारा अगर मान लो कि वाइवा हो जाए, किसी ने कुछ पूछ लिया तो सिट्टी पिट्टी गुल। तो सिंपल सी बात है, पढ़ लो, समय है। मैंने बार बार बोला है कि क्लास टेंथ दोबारा नहीं आएगा, और क्लास टेंथ दोबारा नहीं आएगा तो बेहतर पढ़ना ज़रूरी है। बहुत लोगों ने कहा कि क्लास टेंथ का लेक्चर्स, क्लास टेंथ पढ़ना ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम एक बात बोलें कि इसका एक अलग से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, क्लास इलेवेंथ, क्लास ट्वेल्थ सही तरीके से पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई आईएएस या पीसीएस का कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा उसे पूछना, नाइन्थ, टेंथ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ क्यों ज़रूरी है पढ़ना, क्यों पढ़ते हैं? जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, पूछना बेस मजबूत क्यों होना ज़रूरी है। अब ये बात बताते नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात है ध्यान रखना चीज़ों को कि देखो बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे एक चीज़ आता है, बेस मजबूत कराना, तो कर लो ना यार, क्या जा रहा है, पढ़ लो एक बार, बेस मजबूत हो जाएंगे तुम्हारे, फिर जाके किससे पंगा लेते रहना। जो जो तुर्रम खान उनको कहना हट इधर आ भाई, ये बता, पढ़े रहोगे तब, जब पढ़े नहीं रहोगे कहाँ से बोल पाओगे। खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बातों को लेकर कि आगे और चीज़ें बात करनी है। तो देखो भौतिक गुण और रासायनिक गुण हमने धातु और अधातु के देख लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि धातु की प्राप्ति, कि हम बोलें कि धातु की प्राप्ति नहीं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं, धातु की प्राप्ति। देखो धातु की प्राप्ति, अगर धातु की प्राप्ति करनी हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसके संदर्भ में कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को समझना है। जैसे समझना है बाबू खनिज, क्या है खनिज, और दूसरा है अयस्क। ये दो बातें हैं, दोनों कोरिलेटिव बातें हैं। पहले खनिज को समझो, खनिज क्या है। तो मैं कहूँ कि सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित या प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब रही बात, आपको ये समझना है कि खनिज मैंने बोल दिया, मिनरल्स खनिज बोल दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब ये प्रकृति में, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित, प्राकृतिक रूप से मतलब कि उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, जैसे नेचर ने बनाया हो वैसे ही वो उपस्थित हो, उसे ही क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमने कहा कि जितने भी आपके आवर्त सारणी में तत्व रखे गए हैं, क्या आप लेके आए थे, वैज्ञानिक लेके आए थे, हम लेके आए हैं? नहीं, खोजा गया है, मतलब कहाँ से, पृथ्वी से, यहीं से निकाला गया है। और निकाला कैसे गया है, खनिज के रूप में समझा गया। पहले देखा गया कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में जो उपस्थित तत्व और यौगिक हैं उन्हें क्या बोला गया, खनिज बोला गया। अब इसी संदर्भ में मैं एक बात बोलूँ, जिसका बात यह है कि अयस्क क्या है, अयस्क। अब अयस्क को समझा जाए, मैंने कहा वे खनिज जिनमें धातु की अधिक मात्रा उपस्थित हो तथा इसको निकालना लाभकारी हो, अयस्क कहलाता है। अयस्क को बोलते हैं ओर्स, क्या बोलते हैं, ओर्स, अयस्क। हम लिखेंगे अयस्क वे खनिज जिनमें
धातुओं की मात्रा अधिक हो तथा इन्हें निकालना लाभकारी हो तो ऐसे को अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अयस्क कहते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज देख बेटा, यहां पे मैंने एक चीज बोला, वे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा अधिक हो, मतलब एक चीज समझिएगा, ओर्स में गंदगी भी तो है परंतु धातुओं की मात्रा अधिक। अब उस धातु की अधिक मात्रा को इन्हें निकालना और निकालकर लाभकारी है तो निकाल लिया जाए, यही अयस्क कहलाएंगे। अगर मैं कहूं कि ईसीएस श्रेणी आपको पढ़ाया हूं और ईसीएस श्रेणी में मैंने कहा था कि सबसे ऊपर वाले क्या होंगे? अधिक क्रियाशील होंगे और नीचे वाले, सबसे नीचे वाले बहुत कम क्रियाशील होंगे, जबकि जो मॉडरेट बीच वाले हैं वो मध्यम क्रियाशील होंगे। अर्थात अगर हम बात करें कि जो ऊपर वाले होंगे वो स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि जब भी मिलेंगे किससे? क्रिया करते हुए मिलेंगे, किसी के साथ चिपके हुए मिलेंगे। जबकि जो मध्यम वाले हैं वो मध्यम वाले हमेशा ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे, जैसे सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट, इन तीनों के रूप में मिल सकते हैं, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में मिल सकते हैं। अब इनको पूर्णतः प्राप्त करने के लिए कार्बन द्वारा अपचयन करा लिया जाए। मैं अगर बात करूं तो मैं लिखने वाला हूं, क्या इसको मिटा दिया जाए? अब ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। मैं कहूं कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं की प्राप्ति, तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं की प्राप्ति करने के लिए, जैसे मैंने बोला लिख बा सर का ना मग अल मन जन कर फे कड़ को निक सन पीवी ह कु अग अग पट आउ, ऊपर कर दो आउ अपट आउ पट, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटिनम क्या होता है? सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, जबकि गोल्ड अभी ठीक ठाक होता है। तो मैं अगर बात करूं कि पोटेशियम से लेकर, अगर मैं बात करूं कि एल्युमिनियम तक, यहां से लिथियम से लेकर एल्युमिनियम तक, ये अधिक क्रियाशील है। क्या बाबू? अधिक क्रियाशील है। तो जब अधिक क्रियाशील है तो इनको प्राप्ति स्वतंत्र नहीं होंगे, अर्थात लिखा जाए ये स्वतंत्र रूप में नहीं होंगे। तो इनको प्राप्त कैसे किया जाएगा? इनको प्राप्त किया जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा। अब मैं कहूं कि मॉडरेट जो है वो मॉडरेट कहां से है? यहां से लेकर, सिंपल सी मैं बात करूं कि मॉडरेट अगर बात किया जाए कि एचजी तक, कहां तक? एचजी तक, ये सारे मॉडरेट हो गए। क्या हो गया? मॉडरेट मतलब कि मध्यम। क्या हो गया? मध्यम अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील तत्व। अच्छा ये मध्यम अभिक्रियाशील हैं तो ये अभिक्रिया तो करेंगे, या तो तेजी से अभिक्रिया करेंगे, स्वतंत्र रूप में होंगे ही नहीं, स्वतंत्र रूप में नहीं होंगे, लेकिन ये क्रिया करके क्या बना लेंगे? सल्फाइड, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट। तो जब सल्फाइड, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट में बना के रखेंगे तो सिंपल सी बात है कि इनका एक चीज होगा कि कार्बन द्वारा अपचयन। क्या होगा? कार्बन द्वारा अपचयन। इनको प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे? कार्बन द्वारा अपचयन करा देंगे। और कार्बन द्वारा जब अपचयन हो जाएगा तो इनका शुद्ध फॉर्म में इनको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वही जो एचजी तक की बात कर ली जाए
अब यहां से ये तो क्रिया ही नहीं करते, तो जब ये क्रिया नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे कि स्वतंत्र रूप में पाए जाएंगे, अर्थात ये इन्हें हम क्या बोलेंगे, सबसे कम क्रियाशील। क्या बोलेंगे बाबू? सबसे कम क्रियाशील। और सबसे कम क्रियाशील जब होंगे तो ये स्वतंत्र रूप से पाए जाएंगे। तो कैसे पाए जाएंगे? स्वतंत्र रूप से। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो मैंने कहा धातुओं की प्राप्ति करनी है बाबू, तो धातुओं को प्राप्त करने के लिए मैंने कहा कि कुछ आपको ध्यान रखना है, और ये है ईसीएस। क्या है? ईसीएस। और ईसीएस के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि धातुओं की प्राप्ति कैसे कैसे हम लोग करेंगे। मैंने कहा कि अगर बात किया जाए कि यहाँ से लेकर एल्युमिनियम तक ये अधिक क्रियाशील होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाएंगे, इसलिए इनका विद्युत अपघटन करा के तोड़कर इनको निकालना पड़ेगा, मतलब मारपीट के धारा वारा बहा के तोड़ ताड़ के निकालना पड़ेगा, जबकि ये माध्यम अपक्रियाशील तत्व हैं। और माध्यम अपक्रियाशील तत्व सल्फाइड बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे, कार्बोनेट बना लेंगे, इनको कार्बन द्वारा अपचयन करा के हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जबकि नीचे जो गोल्ड है वो गोल्ड है, एजीएस सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये जल्दी क्रिया करते नहीं हैं, तो क्या होंगे? स्वतंत्र रूप होंगे, और स्वतंत्र रूप से इनको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम लोग आगे बात करने वाले हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सो थैंक यू वेलसियंस।